क्या हमाम में वजू किया जा सकता है? मेरा सवाल ये है कि मतलब मैंने ये सुना है कि बाथरूम में तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि हमाम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो क्या यह बाथरूम में जाने से पहले पढ़ना चाहिए या बाथरूम में पढ़ सकते हैं? दो बात, एक पहली बात तो ये एक सवाल और दूसरी बात एक जवाब। सवाल ये है कि वो कौन सी हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि बाथरूम में जिक्र नहीं कर सकते, ऐसी किसी हदीस का मुझे इल्म नहीं है। दूसरी, जिन उलमा ने कहा है कि बाथरूम में जिक्र नहीं कर सकते, वो इस बुनियाद पर, उमूमी अदिल्ला की बुनियाद पर, कि बाथरूम ये जिक्र करने की जगह नहीं है, बाथरूम कजाए हाजत की जगह है, जिक्र करने की जगह नहीं है, वो कोई पाकीजा और साफ सुथरी जगह नहीं है, इस बुनियाद पर वहां नहीं करेंगे, वरना इस पर कोई खास दलील मौजूद नहीं है कि वहां जाके जिक्र नहीं करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने अपने जवाब में ये भी जिक्र किया था कि जब वो कजाए हाजत से फारिग हो गया तो जाहिर है कजाए हाजत करते हुए वजू थोड़ी बना रहा है, कजाए हाजत करते हुए जिक्र थोड़ी कर रहा है, कजाए हाजत से फारिग होने के बाद जब वो वहां से हट के अब वजू बना रहा है वाश बेसन में या टोटी में, तो अब वो दूसरे हुक्म में है। आप एक ही जगह पर एक से ज्यादा हुक्म में हो सकते हैं, ऐसा दूसरे मसाइल में भी ये मिसाल मौजूद है कि एक ही जगह पर हालात बदलने से हुक्म बदल जाता है। तो जब आप उसी बाथरूम जो बड़ा कमरा है उसमें बेसन बेसन भी लगा हुआ है, अब आप जब बेसन में गए तो बाकायदा आप दूसरे हुक्म में हो गए, अब आप कजाए हाजत नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा आप जो है उस हुक्म से निकल गए, वहां पर आप वजू बनाएंगे और बिस्मिल्लाह करके। बाकायदा इस चीज को शेख इब्न बाज ने इसी वजाहत के साथ कहीं पर जिक्र किया है कि अब आप दूसरे हुक्म में हो गए, इसलिए कोई कबाहत नहीं है। और मजीद ये कि इस तरह की कोई दलील नहीं है कि वहां आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते अगर आपको जरूरत पड़े तो।